यू सर। सिर बांधना है। अरे लेकिन बांधना भी क्यों है सर, मेरा कसूर क्या है? ओटीपी चाहिए ना तुझे? हाँ सर, वो तो पार्सल देने के लिए चाहिए होता है ना। तो देता हूँ तरुण, ओटीपी क्या गलत करने वाला था, क्या करने से रोका है आप लोगों ने? गलत किया नहीं है, तुम गलत करने वाले थे और हमें पता था कि तुम क्या गलत करने वाले हो, इसलिए तुम गलत करो उसके पहले हमने तुम्हें रोक लिया। अरे क्या गलत करने वाला था, क्या करने से पहले रोक दिया है? ओटीपी स्कैम। क्या क्या? हाँ मैं और ओटीपी स्कैम। हाँ सब पता है हमें। सबसे पहले तुम सोशल मीडिया पे बिना पार्सल किसी को चिपका देते, वो तो मना कर देता कि पार्सल उसका है ही नहीं। फिर तुम पार्सल रिटर्न करने के बहाने उससे ओटीपी मांग लेते, वो तो बेचारा ओटीपी दे देता और जैसे ही तुम्हें ओटीपी मिलता तुम उसका बैंक अकाउंट साफ कर देते। अरे सर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। सर आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, आपको आपके बच्चों की कसम। मेरे बच्चे नहीं है तो हो जाएंगे सर। अरे मेरी शादी नहीं हुई है। अरे वो भी हो जाएगी। अरे कहाँ से होगी भाई, इतने सालों से लड़की ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। अरे समझो मिल गई। कैसे? अरे मेरी बुआ है ना। क्या उनकी शादी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं उनकी शादी तो कब की हो गई, वो मैरिज ब्यूरो में काम करती है। मुंबई के लगभग मैरिज ब्यूरो में मेरा नाम रजिस्टर्ड है। वो मैरिज ब्यूरो का तो नाम याद नहीं आ रहा है। झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास उनका विजिटिंग कार्ड है। सर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई स्कैम करने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा साधा पार्सल डिलीवरी वाला हूँ। अरे अगर तू असली पार्सल वाला होता तो तेरे पास पार्सल लेने वाले का नाम नंबर कुछ तो होता। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कंपनी से मुझे ऐसा ही पार्सल मिला। सर गलती कंपनी वालों की है, मेरा यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में डिलीवरी वाला हूँ। अच्छा जब कस्टमर का नाम ही नहीं लिखा तो तुम अंजलि मैम के पास ही क्यों गए? हाँ सर क्या हुआ था, मैं जब गोकुलधाम सोसाइटी आया था मुझे सबसे पहले वही दिखी और उनके साथ बातचीत के बाद मुझे गलतफहमी हो गई, इसलिए मैंने उनसे ओटीपी मांगा। तो ये पहले के लिए बताया? अरे मुझे कहने सुनने का मौका ही कहाँ दिया। सच तो नहीं बोल रहा है? अगर ये सच में डिलीवरी वाला हुआ तो? अरे हूँ मैं असली डिलीवरी वाला। अच्छा इसकी बात तो मत कर, ये लोग बड़े शातिर होते हैं, बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। अरे ये थोड़ी बोलेगा कि मैं आज स्कैम करने आया था। हाँ भीड़ भाई अगर आप लोग इसे नहीं पकड़ते तो ये स्कैम करते फूर हो जाता। हाँ यारो अभी पकड़ा गया तो बचने के लिए बहाने मार रहा है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पुलिस को फोन करो। हाँ बुलाओ पुलिस को, आने दो। मैं भी बताऊंगा कैसे आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती बंद करके रख दिया है। मैं आप सब पे किडनैपिंग का चार्ज लगा दूंगा। ये देखिए मेरे कंपनी का आई कार्ड है, मैं कल पुलिस को दिखाऊंगा और बोलूंगा देखो मैं सच बोल रहा था। मैरिज ब्यूरो का विजिटिंग कार्ड है। मैं कह रहा था ना आपसे कि मेरी बुआ मैरिज ब्यूरो में काम करती है। अच्छा 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 तुम वो कार्ड दिखाओ। मेरे कंपनी का आई कार्ड है।
उसमें मेरे कंपनी का फोन नंबर है, आप कॉल करके पूछ लीजिए मेरे बारे में। कैसे मानेगी ये तेरी कंपनी का आई कार्ड है? हो सकता है कि तेरी गैंग वालों का नंबर हो। हम फोन करेंगे इस नंबर पर तो तुझे बचाने के लिए वो लोग कुछ भी बोल देंगे। वो कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं स्कैम करने नहीं आया हूं? एक तरीका है। क्या 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 तरीका है? तुम्हारे पास कस्टमर का मोबाइल नंबर तो होगा ही, उस पे फोन करो, पता चल जाएगा पार्सल किसका है। देखना भिड़े, अब ये बोलेगा कि मैंने कस्टमर को 2-3 बार फोन किया था, कस्टमर ने फोन नहीं उठाया। हाँ हाँ सर, ऐसा ही हुआ था। Matchpool 2048 available on Android and iOS stores. Download and play now. मजा आ जाएगा। मोटी कमर। अरे रुक यार, रुक, भाग जा, किधर है डरपोक? उड़ गए ना तोते, पपट